आज का जो विषय है उस विषय पर जिसको आप कह सकते हैं कि जितनी समस्याएं हैं आज इस प्रदेश के संदर्भ उन समस्याओं के गहराई से विश्लेषण करने से पहले या विश्लेषण करते समय स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के बारे में जो संकल्पना है चाहे राजनीतिक लोगों का हो चाहे गैर राजनीतिक लोगों का हो चाहे जम्मू कश्मीर में रहने वाले या कश्मीर में रहने वाले या जम्मू में रहने वाले या दिल्ली और अन्य हिस्सों में रहने वाले उनमें कई बार आपको देखने में आता है कि राष्ट्र की जो संकल्पना है उस संकल्पना के बारे में कई धारणा है कई आयाम है कई लोगों की कई प्रकार से सोच और ये सोच में जो अंतर होता है और सोच बनने के पीछे कारण भी कुछ हो सकते हैं लेकिन सोच में जो अंतर होता है तो उसके कारण कई बार दिखाई देता है कि राष्ट्र की संकल्पना और वो आज आकर के देश के देशभक्ति के संदर्भ में और देशभक्ति के संदर्भ में जब होता है तो उससे आगे बढ़कर के देश के साथ सोचने का जो मामला बनता है उस मामले के बारे में अलग अलग धारणाएं होते हैं अलग अलग इस हिसाब से प्रकटीकरण होता है उसके कारण फिर संघर्ष बनता है संघर्ष तो विचारों में बनता है बाद में फिर संघर्ष विचारों से आगे जाकर फिर कई टकराव के हो जाता है जिसको कंफ्लिक्ट इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत परिदृश्य में बहुत अंतर आ राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर आया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अंतर आया 1947 की जो स्थिति है वो आज आपको न जम्मू कश्मीर में है 48 के समय में आज हम 2013 में बहुत सारे स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है वैश्विक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आ रहा है और हमारे पीछे इतने सालों की कुछ अनुभव विचारों के दृष्टि से भी हमारे पास बहुत अनुभव है राजनीतिक दृष्टि से इस देश को चलाने का भी हमारे पास अभी बहुत कुछ अनुभव हो गया और राजनीति के आधार पर प्रशासन को चलाने के भी हमारे पास बहुत कुछ अनुभव है आज हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि 1947 में हम देश के नाते आजाद हो गए थे तो देश को चलाना और हम चलाने वालों लोगों के पास चलाने की कोई बहुत अनुभव उस समय नहीं था इसलिए आज हमारे पास अनुभव हो गई है मुझे लगता है कि एक समय है कि सबको इन सारे बातों के आधार पर इन अनुभवों के आधार पर हम खुद समीक्षा करने का समय आ गया और आपस में अपने अनुभवों के आधार पर हमारे वैचारिक संकल्पनाओं के आधार पर संवाद करने का भी संभावना है एक दूसरे के साथ चर्चा करने की भी संभावना है चर्चा भी कर सकते हैं खुद समीक्षा भी कर सकते हैं
और उसके आधार पर आगे की जो संभावना है उसके बारे में हम सही कल्पना भी बना सकते हैं। और आगे की संभावनाओं की कल्पना जो है तो हम ये खोजा जा सकता है कि इसमें संघर्ष विहीन समन्वय का कोई रास्ता है क्या। हमारे जो टकराहट है हमारे देश में इस राष्ट्रवाद को और राष्ट्र के संकल्पना को लेकर बहुत सारे चीजों में कोई टकराहट को कम करते हुए कोई समन्वय की भावना से हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। हमें कुछ सीख अभी प्राप्त हुआ है क्या जिसके आधार पर हम आगे जा सकेंगे, इस बात पर विचार करने का एक बहुत अच्छा मौका है। और इस अवसर को हमें उपयोग करना चाहिए। हम अपनी भावनाओं में लगातार जा रहे हैं और समीक्षा हम करने के लिए तैयार नहीं है और आगे की संभावनाओं के बारे में समन्वय की कुछ रास्ते बनाने के लिए हम तैयार नहीं है, ये स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो आज का कार्यक्रम आयोजन किया है उसमें पहली बात मैं इस बात को रखते समय कहूंगा कि अपने देश में ये देश जिसको आप देश कहते हैं ये देश बना है संविधान के आधार पर। पहले इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, फिर उसके आधार पर हमारा देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने उस संविधान की रचना की और संविधान की रचना के बाद संविधान को हमने बनाया और उसकी चर्चा करने के बाद बहुत लंबी चर्चा करने के बाद हमने उसको स्वीकार किया और उसके आधार पर हमने देश को मान लिया है तो ये देश हमने बनाया। जिस भावना के साथ वंदे मातरम और जिस भावना के साथ इस राष्ट्र की एक माँ के नाते मानना और परिकल्पना करना और उसके नाते हम उस देश में रहने वाले सारे लोग माँ के संतान हैं, ये एक इमोशनल वर्ल्ड भावनात्मक एक दुनिया है। कई बार ऐसा लगता है कि जो संविधान के आधार पर देश मानते हैं उसको लगता है कि ये भावनात्मक दुनिया ठीक है और इसकी कई इंटरप्रिटेशन देश के बारे में राष्ट्र के बारे में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इस विश्व में है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले शुरुआत में भारत में बैठकर देश और देश की अखंडता के बारे में और देश के स्वरूप के बारे में और देश के और संविधान के संबंधों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो भारत में जिस प्रकार से चर्चा करते हैं उस प्रकार से विश्व में कोई बहुत अनुभव नहीं। पहली बात हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि विश्व में राष्ट्र के बारे में डिबेट अगर आप करना हो तो भारत के बारे में राष्ट्र के बारे में जिस प्रकार से आप डिबेट कर सकेंगे जिस प्रकार की चर्चा कर सकेंगे वैसी डिबेट वैसी चर्चा विश्व के कोई अन्य राष्ट्र के बारे में करना कोई बहुत उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी चीन के बारे में हो सकता है, कभी कभी जापान के बारे में कुछ हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार के संविधान और संविधान के आधार पर देश हमारा जो बना है हमने जहां से संविधान को लिया है पश्चिम के देशों में ऐसे कोई बहुत इस प्रकार की संकल्पना और इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है जिसके आधार पर हमारे देश की विश्लेषण हम कर सकते।
पहले आपको ये बात आपको समझना चाहिए, जिसको आप कहेंगे कि हिस्ट्री ऑफ नेशन स्टेट, हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, ये दोनों के बारे में आप सोचेंगे तो हिस्ट्री ऑफ नेशन स्टेट एंड हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इज नॉट वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड ऑफ डिबेट और डिस्कोर्स। ये कोई बहुत बहुत पुराना नहीं है, कोई 250 साल का है। 250 साल से पहले जिसको आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, ये विश्व में कोई बहुत पुराना इतिहास इसका नहीं है जिसके आधार पर आप चर्चा कर सकते। अमेरिका एक राष्ट्र राज्य है, तो अमेरिका के राष्ट्र राज्य की इतिहास क्या है? आप जिसको आप ब्रिटेन कहते हैं या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं या इंग्लैंड कहते हैं, जो भी आप कहिए, उसको अगर राष्ट्र राज्य की कल्पना में अगर कहना है तो उसकी क्या इतिहास है? जर्मनी का भी राष्ट्र राज्य की अगर संकल्पना है, इटली, कोई भी आप इन सारे देशों को उठा करके देखेंगे तो इस राष्ट्र राज्य के संकल्पना में, इस फ्रेम में, या राष्ट्रवाद की इस फ्रेम में, जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं, इस राष्ट्रवाद की फ्रेम में विश्व में कहीं भी आप जाइए 200-250 साल पहले की आप उसकी कोई साहित्य बहुत ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए भारत के राष्ट्र के बारे में और भारत के राष्ट्रवाद के संकल्पना के बारे में, भारत के राष्ट्र राज्य के संकल्पना के बारे में, नेशन, नेशनहुड, नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, भारत की जो भी आप इन बातों के बारे में चर्चा करते हैं तो भारत के लिए उदाहरण ना अमेरिका हो सकता है, ना इंग्लैंड हो सकता है, ना जर्मनी हो सकता है, ना इटली हो सकता है। भारत को उन देशों के आधार पर, उन देशों के उदाहरण लेकर के हम हमारे राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं कर सकेंगे। हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद की अगर चर्चा करना है, हमारे देश के राष्ट्र की संकल्पना के बारे में हम चर्चा करना है और हमारे देश के अंदर राष्ट्र राज्य के संकल्पना के बारे में चर्चा करना है, तो भारत के लिए भारत की साहित्य, भारत के इतिहास और भारत की परंपरा और भारत की जो भी प्राचीन घटना है वही उसकी डिक्शनरी हो सकता है, वही उनका कंपास हो सकता है। You cannot have a different compass, a different dictionary where you can get the examples through which you can get the assistance to understand the concept of nation, nationhood in this country, in about this country. भारत के बारे में ये बात हमें समझने की आवश्यकता। अब चाहिए कि हमारे राष्ट्र की जो कॉन्शियसनेस, चेतना है, मैं कई बार कहूंगा कि जिसको कहते हैं ज्ञान परंपरा, ज्ञान धारा, नॉलेज स्ट्रीम एंड नॉलेज ट्रेडिशन, हमारे देश की एक नॉलेज ट्रेडिशन है। हमारे देश की नॉलेज ट्रेडिशन या नॉलेज स्ट्रीम से कट कर बाय कनेक्टिंग अवरसेल्व्स विद द नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ द वेस्ट, if you attempt to understand the concept of nation and nationhood in India, you will definitely fail. You will never arrive at the correct conclusion. Pehli baat hame ye samajhne ki aavashyakta. Hamare desh mein jab rashtra ki chetna ka vistar hua, aap पुराने साहित्य वेदों में जाएंगे तो जिसको आप वेदों की उसमें जाएंगे तो अथर्ववेद में आपको घटनाएं मिलेंगे, ऋग्वेद में मिलेंगे, जिसको कहते हैं कि पृथ्वी सूक्त,
मैं जो बात अभी कह रहा हूँ इसमें हो सकता है कि कई लोग पृथ्वी सूक्त पढ़ते होंगे, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में लिखा है कि जिसको 63 श्लोकों का एक मालिका है, इस धरती के साथ मेरा संबंध क्या है और हमारा इस धरती के साथ क्या संबंध है, तो जिसको पूर्ण राष्ट्र की विकास करने की करने से पहले जो आपको संबंध मिलते हैं, जिसको आप राष्ट्र की चेतना का जो विस्तार पूर्ण होने से पहले, जिसको कहते हैं कि मेरा और इस धरती के साथ क्या संबंध है, मदरलैंड एंड फादरलैंड कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड में आप मिलेगा, कोई कोई फादरलैंड मानता है कोई मदरलैंड मानता है, लेकिन इस मदरलैंड और फादरलैंड की कॉन्सेप्ट की जो चेतना का विकास हुआ है और हमारे भारत में जो पूर्ण विकास हुआ, उससे शुरुआत के जो दौर में आपको मिलेगा कि पृथ्वी सूक्त मैं कोट करता हूं, एक प्रकृति के साथ और एक धरती के साथ जो संबंध प्रेजेस ऑफ सन कोट द मदर कंट्री इज द लैंड ऑफ गॉड बाय द सी एंड फर्टिलाइज्ड बाय द रिवर्स दैट पोर डाउन देयर बाउंटी इन स्ट्रीम्स ऑफ प्लेंटी, और आगे लैंड ऑफ हिल्स एंड स्नोई माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट गिविंग प्रोटेक्शन टू हर सन्स अनहरास्ड अनस्मिटन एंड अनवुंडेड all producing mother of herbs, land where our forefathers lived and worked. उसी प्रकार लैंड को और गुणगान करते हैं, लैंड बियरिंग इन मेनी प्लेसेस पीपल ऑफ डिफरेंट स्पीच, ध्यान रखिए विस्तार हुआ, अरे कोई कश्मीर में गांव में बैठे हुए लोग अपनी ऊपर की कई बातें कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो विस्तार आपको देखेंगे तो बियरिंग इन मेनी प्लेसेस पीपल ऑफ डिफरेंट स्पीच ऑफ डाइवर्स कस्टम्स अकॉर्डिंग टू देयर होम्स येट यील्डिंग 1000 स्ट्रीम्स ऑफ प्रॉपर्टी लाइक ए स्टेडी अनरेसिस्टिंग मिल्क काउ. मेरा जो कहने का इसमें अथर्ववेद में डाइवर्सिटी को पहचाना गया, विविधता को पहचाना गया, बहुभाषाओं को पहचाना गया, कस्टम्स को पहचाना गया, भिन्न भिन्न परंपराएं हैं और भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं हैं और भिन्न भिन्न जगह हैं, कोई फॉरेस्ट में कोई स्नोई माउंटेन्स हैं, कई समुद्र के पास है, इस प्रकार की बात अथर्ववेद ने कहा और इसका संबंध मां और बेटे का मेरा संबंध राष्ट्र के संकल्पना का दुनिया के आपको पुरातन साहित्य विश्व में और इससे कहीं और नहीं मिलता. ये बात हमें राष्ट्र के बारे में जब हम कोई क्लेम कर रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं तो इट कैन नॉट बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ टुडेस पॉलिटिकल ग्रुप. तो कोई आज एक राजनीतिक या गैर राजनीतिक वैचारिक कोई गुट आज ही कोई संकल्पना बना करके अब ये मानना चाहिए, ये बात नहीं हो सकता. दिस वेरी डाइवर्सिटी is recognized in a supremely patriotic spirit as a source of national strength, of the richer and fuller unity in which all diversities lose themselves with their several contributions towards the development of a common life, even as, quote, a thousand streams merge themselves in the sea. Vishnu Purana. मैंने अथर्ववेद की बात बताई, अभी मैं आपको विष्णु पुराण हमारी ज्ञान परंपरा की बात कह रहा हूँ, जो समाज की ज्ञान परंपरा है उसमें अलग अलग स्टेजेस में जो बातें आपको कही है, कोट
after many thousand births and the aggregation of much merit that living beings are sometimes born as men in Bharatvarsha. Those men are fortunate who are born with perfect faculties in Bharatvarsha. रामायण की बात अभी जुगल जी ने बताया, सोने की लंका, भगवान राम जीत गए, उस समय की लंका दुनिया के संपत्ति की राजधानी थी, कोई गरीब राष्ट्र नहीं था, कोई गरीब देश नहीं था, संपत्ति की राजधानी थी। वो सब जीतने के बाद कहते हैं कि हम कहीं यहीं रह जाएं, तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, राष्ट्र भी वहां प्रोनाउंस नहीं है, राष्ट्र की फ्रंटियर्स के बारे में उसमें नहीं आया, लेकिन ये बात आया है अयोध्या के कॉन्टेक्स्ट में कि जो जन्मभूमि है उसके साथ रिश्ते के बारे में एक व्यक्ति का क्या होता है, जिस देश में काल गणना में मतभेद हो सकते हैं लेकिन आज के समाज को भी बहुत गहराई से प्रभावित करने वाला एक महान जिसको भगवान कहे हैं पुरुषोत्तम का, ऐसे भगवान राम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। सो द रिलेशन बिटवीन द सन एंड मदरलैंड वो किस प्रकार से है वो भी एक आपके इतिहास में है। अथर्ववेद में और एक श्लोक है, आपको और एक स्टैंजा मिलेगा, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, ये भूमि है मैं, मेरी माँ है और इसका मैं पुत्र हूं। इस प्रकार की बात आपको एक बार नहीं और बार मिलेगी और इसकी राष्ट्र की चेतना की संकल्पना की अरे विस्तार जो होता है उसमें बहुत सारे लोग, ये कोई बात ऐसी नहीं कि यहाँ बैठे हुए लोगों को नया लग रहा, पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ लोगों को भी कोई बात मैं कह रहा हूँ नया नहीं लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में हजारों वर्षों में चेतना का विकास और चेतना का विस्तार सामान्य जनों तक कुछ ज्ञान परंपराओं से हुआ है वो विश्व के किसी और साहित्य में आपको नहीं मिलेगा, विश्व की किसी और सभ्यता में नहीं मिलेगा। ऋग्वेद की एक नाड़ी सूक्तम, इसमें हम आपको मालूम है कि इस देश में जब हम धरती को माँ मानते हैं तो वो धरती को हम खोरी धरती नहीं है, वो नदियों के साथ भी हम अपना नाता जोड़ते हैं और नदियों को भी हम माँ मानते हैं और हम पवित्र मानते हैं और इस धरती के हर एक जमीन की टुकड़ा और हर एक आयाम हमारे लिए सैक्रेड पवित्र। उसमें इमम में गंगे यमुने सरस्वती सुतुत्री स्तोमम सचता पुरुष्या असिक्ञा मरुद्वदे वितस्ता यज्जिकीये रुनिया सुशोमया, विंध्या के उन उस पार की नदियां इसमें नहीं। जो नदियों का यहाँ पर विचार यहाँ हुआ है ऋग्वेद में उसमें माता और पुत्र का जो संबंध नदियों के साथ पवित्रता के साथ नदियों का है, लेकिन ऋग्वेद के इस सूक्त में आपको इसका विस्तार विंध्या तक मिलेगा, विंध्या के बाद का इसमें नहीं। फिर आगे विस्तार जो होता है आप बाद में आकर के जिसको हम आज पढ़ते हैं कोई भी पवित्र यज्ञ हवन या कोई शादी और कोई संकल्प लेते हैं और कोई भी नदी के सामने हम आर्क देते हैं तो वो तो कहते हैं गंगे चाहे यमुने चाहे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। ये श्लोक कश्मीर में रहने वाला
और कन्याकुमारी में रहने वाला, असम में रहने वाला और गुजरात में रहने वाला, इतने विस्तृत समाज में हर व्यक्ति जब अपने कोई पवित्र कार्य करता है तो इस प्रकार के विस्तृत नदियों के साथ अपने पवित्र नाता जोड़ने वाला संपूर्ण समाज, जिसको कहते हैं कि पवित्रता का विस्तार करने वाला संपूर्ण समाज, विश्व में किसी भी और जमीन पे नहीं मिलेगा, किसी भी देश और धरती में आपको और नहीं मिलेगा। इसलिए राष्ट्र के प्रति पवित्रता और राष्ट्र के प्रति माता और पुत्र का संबंध और राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव, जिस प्रकार से उस समय जिस समय यह कहा जाता है कि पढ़ाई किस प्रकार से नहीं है, और इन सब में कहा गया। मैं और राष्ट्र के बारे में कहूं तो बहुत विस्तार से कह सकते हैं, आपके सेवन माउंटेन्स महेंद्र मलयो देवतात्मा हिमालय विंध्या परियात्रा, इस प्रकार की जो पहाड़ियों का सब जो सात पहाड़ी हैं उनको पूरे देश में, यानी केवल नदियां नहीं, हमारे लिए नदियां, हमारे लिए पहाड़ियां और हमारे लिए पुण्य स्थान अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती जैवा सप्तान मोक्षदायिका, इस प्रकार के कई प्रकार के अपने संप्रदायों में और अपने पद्धतियों में इस देश को पवित्र मानने वाला और एक संपूर्ण एक जीवंत जीवमान इकाई के नाते मानने वाला समाज का ये चेतना दिखाई देता है। और उसके बाद विष्णु पुराण में आता है, यहाँ पर राष्ट्र की एक संकल्पना है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाप्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह विष्णु पुराण, यह 200 साल का तो नहीं है, हमारी कोई काल गणना में कुछ अभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे राष्ट्र के बारे में, ये एक धारा है और ये जीवंत धारा है, कई परंपराओं के माध्यम से, कई पद्धतियों के माध्यम से, कई पूजाओं के माध्यम से, कई तीर्थ यात्राओं के माध्यम से इस राष्ट्र के प्रति संपूर्ण एक पवित्रता का जागरण समाज ने किया। अब ये सब किया नहीं होता, हिमालय के दक्षिण के ओर समुद्र के उत्तर के ओर ये संपूर्ण एक भारत राष्ट्र है, ये विस्तार से चेतना जागृत नहीं हुआ होता तो सरदार पटेल जी को और उससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन करने वालों को ये देश एक राष्ट्र और राज्य में एक मालिका में आना चाहिए। स्टेट एंड नेशन शुड बिकम ओवरलैपिंग, ये आना चाहिए, ऐसे उनके मन में हो सकता कल्पना भी नहीं आया, और उनके मन में कल्पना भी आया होता तो वो संविधान के आधार पर कुछ बनाने की कोशिश करते तो संविधान इस प्रकार से स्थिर नहीं होता और आज इस प्रकार से लोग स्वयं मानने की जो स्थिति है, कई कई प्रकार के संविधानों की कई चुनौतियां हैं, कई देश बने और कई देश टुकड़े हुए, यूनाइटेड नेशंस में सदस्यता बनाने के बाद वो जरूरी नहीं है कि वो देश वहां रहेगा, यूनाइटेड स्टेट सोशलिस्ट रूस का सदस्य राष्ट्र था, आज वो राष्ट्र एक नहीं है, बहुत सारे राष्ट्र हैं, यूगोस्लेविया पहले एक था अभी एक नहीं है, चेकोस्लोवाकिया एक था अभी एक नहीं है, आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशंस ने जो पहचाना है और उसने सदस्यता प्राप्त किए हैं और संविधान बना करके गए हैं और संविधान वहां दिया है और उसके आधार पर वो राष्ट्र रहेगा और उसके आधार पर वो राष्ट्र राज्य रहेगा,
ये कोई यूनाइटेड नेशंस कोई गारंटी फ्रेमवर्क नहीं है कि राष्ट्र राज्य को ये हमारे पास आ गया तो हमारा सदस्यता लिया है तो बस स्टैंप लग गया, ये कोई स्थिति नहीं है। हमारा देश आज भी एक है तो वो संविधान के कारण एक है, लेकिन इसको मैं दो बातों दोनों तरीके से कहना चाहता हूँ। तो संविधान भी माना गया है क्योंकि राष्ट्र की राष्ट्रीय समाज यहाँ पर, राष्ट्र को एक मानने वाला समाज इतना विस्तृत है, भाषा अलग है, वेश अलग है, भूषा अलग है, भोजन अलग है, खान पीन अलग है, बोलियां अलग है, लेकिन एक अंतर्निहित एकता का बोध संपूर्ण समाज में इतने विस्तृत पैमाने पर होने के कारण ये संविधान की उतनी स्वीकार्यता आज भी है। दूसरा, इतनी एकता का बोध है और उस एकता में विविधता की स्वीकारने की मनस्थिति है इस समाज में, इसलिए इस प्रकार के संविधान को इस समाज ने बनाया और चलाया। दोनों दूसरी बात, तो ये दोनों बातों को हमें समझना चाहिए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम एक्सेप्टेबल बिकॉज इन दिस कॉन्टिनेंट द पीपल इन लार्ज नंबर्स दे हैव अ फीलिंग एंड फीलिंग ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप विद दिस लैंड एज अ मदर लैंड इन स्पाइट ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। इफ दैट वॉज नॉट देयर देन दिस काइंड ऑफ नेशन विद दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट हैव बिकम पॉसिबल। ये बात हमें आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते समय कहना चाहिए। इसमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कहता हूं, इसमें क्योंकि कई संप्रदाय हैं देश में, कई संप्रदायों की सोच में कई बार अंतर होता है, इसलिए राष्ट्र के बारे में हम सोचते समय राष्ट्र सब कुछ है ये समाज ने कभी नहीं माना, राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है ऐसा भी हमने कभी नहीं माना, राष्ट्र एक माध्यम है और एक मध्यम स्तर है ये माना है, जिसमें श्री अरविंदो ने राष्ट्र के बारे में जो लिखा वो बहुत पर्टिनेंट कोट रिपोर्ट है। इन पॉजिटिविज्म यूरोप हैज अटेम्प्टेड टू अराइव एट ए हायर सिंथेसिस द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशलिज्म एंड फिलोसॉफिकल एनार्किज्म एनार्किज्म ऑफ टॉलस्टॉय एंड स्पेंसर हैव इवन एनवेसेज्ड द एप्लीकेशन ऑफ हायर इंटेलेक्चुअल सिंथेसिस टू लाइफ। इन इंडिया we do not recognize the nation as the highest synthesis to which we can rise, there is a higher synthesis humanity insanity, beyond that there is a still higher synthesis this living suffering aspiring world of creatures the synthesis of buddhism charachara prakriti, there is a highest of all the synthesis of god and that is the hindu synthesis the synthesis of veda jisko aap kahenge कि इस्लाम भी कहना हो हिंदू भी वेदांत भी कहना हो तो मोनोथीज्म कि भाई संपूर्ण उसके पीछे एक जो शक्ति है वो हाईएस्ट है, लेकिन हमने विद अस टुडे नेशनलिज्म इज आवर इमीडिएट प्रैक्टिकल फेथ एंड गॉस्पेल नॉट बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पॉसिबल सिंथेसिस बट बिकॉज it must be realized in life if we are to have the chance of realizing others insaniyat aur moksh jo bhi aap kehte hain we must live as a nation before we can live in humanity। ye bahut important apne ko sochne ki avashyakta hai। ab main kuch isme hamare modern नेशनहुड के पीछे महात्मा गांधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बी आर अम्बेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू जितने भी
लोग हैं जिनकी आज मान्यता है संपूर्ण देश में, कुछ मतभेदों के कुछ विषयों पर होने पर भी स्वतंत्रता के देशभक्ति के संदर्भ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सारे लोगों के विषय में राष्ट्रवाद के संदर्भ में उन्होंने सबने एक माना है, रिलीजन कैनॉट बी द बेसिस ऑफ नेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिलीजन कैनॉट बी द बेसिस ऑफ नेशनहुड जो है, ये किसी एक व्यक्ति का देन नहीं है। और ये सारे लोगों ने, मैंने जितने नाम महान लोगों का नाम लिया है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, इंक्लूडिंग शेख अब्दुल्ला ने ऑन रिकॉर्ड क्या बोला वो सब देखेंगे, तो सबके आधार पर कहेंगे रिलीजन कैनॉट बी द बेसिस ऑफ नेशनहुड। इसलिए हमारे लोगों के मन में, हम हिंदू मेजॉरिटी है इसलिए एक नेशन होना चाहिए, हिंदू नेशन होना चाहिए, इस प्रकार से किसी ने नहीं कहा। हमने हिंदुओं को तो पहले रिलीजन के नाते माना नहीं, जितने भी लोगों ने माना, मैं उसके बाद में आऊंगा। लेकिन रिलीजन कैनॉट बी द बेसिस ऑफ नेशनहुड, ये देश के सभी महान लोगों ने, अलग अलग मत अलग अलग विषयों पर प्रकट करने वाले सारे लोग इस विषय पर एक मत रहे हैं। तो रिलीजन कैनॉट बी द बेसिस ऑफ नेशनहुड एंड नेशनलिज्म, एंड इंडिया कैनॉट बी ए थियोक्रेटिक नेशन, अ थियोक्रेटिक स्टेट। ये कोई मजबूरी में नहीं कहा, जिस राष्ट्र की मैंने कहा कि डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट तरीके, उसके बाद भी हम एक है, ऐसा अथर्ववेद में कहा, ऐसा ऋग्वेद में कहा, ऐसा हिमालय से लेकर समुद्र के बीच में रहने वाले सारे भिन्नताओं के बाद भी हम एक है, ऐसा जिस विष्णु पुराण में कहा, ऐसे परंपराओं के अंदर जागृत और चेतना युक्त लोगों की सभ्यता बनने के कारण उनमें से निकले हुए इस देश की सभ्यता की संस्कृति के ये जो नेतागण है, उन्होंने कहा कि ये देश एक संप्रदाय का नहीं हो सकता, और संप्रदायिकता का आधार पर कोई देश नहीं हो सकता और थियोक्रेटिक स्टेट नहीं हो सकता। ये बात हमारे भारत की परंपरा है, ये कोई आज अचानक आ गया ऐसा नहीं। तो ये जब आपने कहा तो कई बार लोगों को लग सकता है कि उस समय बड़ी क्या कहते हैं उन्माद जैसी स्थिति रही, डोनेशन थ्योरी, और डोनेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान की परिकल्पना कि मुसलमान एक अलग है, अलग परंपरा है, अलग है, अलग सभ्यता है। वैसे रेशियली तो कोई अलग नहीं है, अलग हो भी नहीं सकते, अलग कर भी नहीं सकते। इसके बावजूद इस प्रकार की उसकी उन्माद डाला गया कि इंपीरियलिज्म का जो डिवाइड एंड रूल का जो सिद्धांत को आगे बढ़ा करके पूरे समाज में साम्राज्यवाद के लिए आने वाले दिनों में इस देश में, पहले तो इस देश को साम्राज्य के अंतर्गत कैसे चलाया जाए, और जब छोड़ते जाते हैं तो हमारे हितों को इस उपखंड में कैसा रखा जाए, इस देश में, इस एरिया में कैसे रखा जाए। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि ये डिवाइड एंड रूल चला और उसके अंतर्गत ये अलग है, ये बनाने की कोशिश की, और इसके आधार पर पाकिस्तान का अंत का निर्माण। आज पाकिस्तान, मैंने पहले ही कहा कि अब 1947 नहीं है, अब कश्मीर के लिए 1948 नहीं, 1947-48 नहीं, अब 2013 है। दुनिया भी बहुत आगे गया और हम भी बहुत आगे गए, और पाकिस्तान भी कहां गया कि हम जाते। इसीलिए आज मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान वैसे कोई दुनिया में भी एक रिलीजन के आधार पर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हमेशा के लिए नहीं रहा, कहीं भी हुआ तो कहीं बदल गया, कोई ऐसा संभव ही नहीं। कोई मजहब के आधार पर दुनिया में कहीं नहीं है, और ये संभव नहीं है, रखना संभव नहीं है। आज मैं कहूंगा कि 1947
लोकलिज्म का की आदत हमारे देश में हजारों वर्ष से। रिलीजन इस देश में परमानेंट भी नहीं है। कल के दिन आप लिख के नहीं दे सकते हैं कि जो आज का रिलीजन है कल के दिन परमानेंट रहेगा। बुद्धिज्म इस देश में बड़ा विस्तृत रहा, कश्मीर में रहा, जितने आज इस्लाम में है, जितने आज वैदिक परंपरा में अनुयायी है उसमें पहले बुद्धिज्म में भी रहे होंगे। तो कोई गारंटी और 200 साल के बाद क्या होगा ये कोई लिख के नहीं दे सकता। तो ऐसे में अरे ये बात हम जानते हैं। और एक अमेरिकन आता मार्क ट्वेन, आप जानते हैं, उन्होंने कहा इंडिया हैज 2 मिलियन गॉड्स, इंडिया हैज गॉट 33 करोड़ ऑफ गॉड। ये जो बातें कही है इंडिया हैज टू, मार्क ट्वेन ने जो कहा को इंडिया हैज 2 मिलियन गॉड्स एंड वर्शिप देम ऑल इन रिलीजन ऑल अदर कंट्रीज आर पॉपर्स, इंडिया इज द ओनली मिलियनेयर। हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म इज नॉट एन एक्सेप्शन इन इंडिया एंड इट इज नॉट ए न्यू डेवलपमेंट इन इंडिया। ये कोई ये जो सांप्रदायिक विविधता है, सांप्रदायिक विविधता इस देश में कोई नया नहीं है। ये भी इसका भी इतिहास हजारों साल से। इसलिए सांप्रदायिक विविधता में भी रहने का अभ्यास इस समाज ने दिखाया है, सिखाया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं क्लियरिंग एवरीथिंग तो सो दैट आई कैन कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। और हिंदुत्व, अब हिंदुत्व बड़ा भूत बन गया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद हिंदुत्व के आधार पर कोई झगड़ा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हिंदुत्व के बाद जो दिया है उसके बाद कम से कम अब देश में हिंदुत्व के नाम पर झगड़ा नहीं कर सकते। चाहे करना है तो आप हेतु की तरीके से करते रहो लेकिन झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। ये बात मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजंस आफ्टर ए डिटेल्ड डिस्कशन इंडिकेट दैट नो प्रिसाइज मीनिंग कैन बी एस्क्राइब टू द टर्म्स हिंदू, हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म एंड नो मीनिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट कैन कन्फाइन इट टू द नैरो लिमिट्स ऑफ रिलीजन अलोन एक्सक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। It is also indicated the term Hindutva is related more to the way of life of the people in the subcontinent. It is difficult to appreciate how in the face of these decisions the term Hindutva or Hinduism per se in the abstract can be assumed to mean and be equated with narrow fundamentalist Hindu religious bigotry or be construed to fall within the prohibition रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया। इन बातों को हम समझने के बाद मैं मानता हूं इसमें दो एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि राष्ट्र राज्य, राष्ट्र के नाते आज संविधान के आधार पर भी और सभ्यता के आधार पर भी, संस्कृति के आधार पर भी, इतिहास और साहित्य के आधार पर भी ये राष्ट्र की परिकल्पना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये इंडिविजिबल, इसमें कोई डिविजन नहीं। इसमें एक महत्वपूर्ण है कि हिंदू वाला विषय पर भी मैंने आपके सामने रखा और हिंदू के बारे में उत्पत्ति तो यहां तक है कि आप यहां से राजस्थान जाएंगे तो जो हिंदू है जो इंडिया है वो हिंदू है एक ही, उसमें कोई अंतर नहीं। अब अभी भी मैं राजस्थान में काम किया हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर में आने से पहले तो मैंने वहां देखा हिंदू का अर्थ होता है वैसे सा नहीं, अभी बोल नहीं सकते। राजस्थानी में, राजस्थानी लोगों में कई प्रदेशों में, जोधपुर में, मारवाड़ में आप जाएंगे तो 7.5 को हाड़े हाथ को खड़ा, सा शब्द नहीं है, जैसे बंगाल में बा शब्द नहीं है,
वहां को बाब होते वाशक नहीं है बंगाल में, विवेकानंद विवेकानंद अरविंदो हरबिंदो वैसे बंगाल में वहां नहीं है। ये जो पश्चिम के सरहद है इस एरिया में सा शब्द नहीं, सिंधु है जिस सिंधु को आप लोग जम्मू कश्मीर से जाती है, जिस सिंधु की हमारी सभ्यता मानी गई है, उस सिंधु को सा से नहीं बोल सकता, इसलिए वो हाव। ये किसी अरब के ने कई लोगों ने कहा कि अरब के लोग बोलते थे, अरब के नहीं है, भारत के लोग बोलते हैं। आप लोग पंजाबी में भी कई शब्द नहीं है, पंजाबी लोगों को कोई शब्द बोलने के लिए कहे वो शब्द नहीं है, वो उसमें किसी और चीज में डाल के बोलता है। तो इसीलिए हिंदू एक सभ्यता है। ये बात को कहने के बाद अब हम आते हैं कि ऐसे स्थितियों में राष्ट्र राज्य के संदर्भ में, नेशन स्टेट में, आज राष्ट्र पाकिस्तान से उस पार से लेकर के हमारे बंगाल बांग्लादेश के उस पार तक एक राष्ट्र है, अभी भी एक राष्ट्र। वहां के लोग आज उसको एक राष्ट्र के नाते स्वीकारते हैं, नहीं स्वीकारते, इससे राष्ट्र खत्म नहीं होता। राष्ट्र तो एक राष्ट्र, राज्य के नाते हम एक नहीं है। आज राज्य तीन होंगे, चार होंगे, कल के दिन और होंगे, लेकिन राज्य के विषय में भी इस देश में जितनी पराक्रम और समझदारी बढ़ी है वो संपूर्ण राष्ट्र को एक राज्य में पिरोने की कल्पना हमेशा है। चाणक्य चंद्रगुप्त के समय में, हर्षवर्धन के समय में, विजयनगर साम्राज्य के समय रही है, महाभारत में धर्मराज के समय में रही, राजसूय राष्ट्रीय में रही। इसलिए जब भी इस देश में हमारे राष्ट्र के सारे लोगों की कामनाएं संपूर्ण रूप से प्रकटित प्रकट होना है और पुष्पित और फलवित होना है, उसके लिए माध्यम एक राज्य की परिकल्पना हर युग में रहा है। इसलिए आज भी अगर हमारे मन में रहता है कि भारत अखंड राष्ट्र, भारत अखंड राज्य बनना चाहिए, ये कामना है। भारत अखंड राष्ट्र, भारत अखंड राज्य बनना है, एक राज्य में बनना है, तो ये कामना है। लेकिन हम मानते हैं कि इतिहास की सच्चाइयों को भूल कर नहीं बना सकते, लोगों की स्वीकारिता के बगैर नहीं बना सकते, लोगों को साथ लेके ही बना। हमने पहाड़ियों को पूजा है और नदियों को पूजा है और पवित्र स्थानों को पूजा है, तो हम लोगों को नहीं पूछते, ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी पूछते हैं, क्योंकि लोग उनके बगैर कोई धरती मानेगा। तो इसीलिए उन सारे लोगों को हम अपना मान करके और